नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल। आईपीएल 2022 चरम पर है और प्लेऑफ की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिन दोनों टीमों ने डेब्यू किया था, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, वो टेबल टॉपर्स हैं। इस वक्त बहुत कमाल का क्रिकेट खेला है। वहीं टॉप फोर में लड़ाई के लिए राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी भी अहम प्रतियोगी हैं। वहीं बात करें केकेआर की, तो केकेआर नीचे है पॉइंट्स टेबल में और लगभग उम्मीदें खत्म हो गई हैं टॉप फोर में पहुंचने के लिए। लेकिन पिछला मैच मुंबई इंडियंस से जब हारी थी, तब श्रेयस अय्यर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था और मैनेजमेंट पर हार का जो है ठीकरा फोड़ा था। कहा था कि मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है टीम की इस हालत के लिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर तमाम तरीके की बातें शुरू हो गई, केकेआर के मैनेजमेंट को लेकर, कोचेस को लेकर, श्रेयस अय्यर को लेकर, कि श्रेयस अय्यर ने ऐसा बयान क्यों दिया कि मैनेजमेंट ने जो इतनी दखल दी है। दरअसल श्रेयस अय्यर ने कहा था कि जो कोचेस हैं उनसे भी ज़्यादा दखल जो है सीईओ कई बार दे देते हैं टीम की प्लेइंग 11 में, क्योंकि टीम की प्लेइंग 11 बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, 12 ही मैचों में 20 बदलाव करे हैं केकेआर की टीम ने, तो अपने आप में दर्शाता है कि कितने ज़्यादा चेंजेस किए जा रहे थे। वहीं पैट कमिंस जैसे फास्ट गेंदबाज को 5 मैचों में बिठाया गया था, जिस पर तो रवि शास्त्री ने भी सवाल पूछा था कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। केकेआर की तरफ से श्रेयस अय्यर का यह बयान बहुत बड़ा बयान साबित हुआ, क्योंकि वहीं वेंकी मैसूर जो सीईओ हैं केकेआर के, उन पर भी सवाल उठने लगे कि सीईओ का टीम की प्लेइंग 11 में आखिर क्या दखल हो सकती है। देखिए, श्रेयस अय्यर वही श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया था। दिल्ली की मैनेजमेंट के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन शायद यहां पर ट्यूनिंग सही नहीं बैठी। हालांकि ब्रेंडम मैकलम और डेविड हसी जैसे कोच केकेआर में ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी अगर मैनेजमेंट का उसमें हस्तक्षेप होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर बात करें आईपीएल की, तो 2008 से चला रहा है, 14 साल पूरे हो चुके हैं, 15वां सीजन चल रहा है, लेकिन टीमों में और फ्रेंचाइज में फेरबदल तो होना ही था। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में हमने देखा कि टीम मालिकों के जो बेटे हैं बेटियां हैं वो वहां पर पार्टिसिपेट कर रही थी, जो कोचेज हैं उनके साथ बैठे हुए थे, और टीम के लिए जो प्लान बनाए थे उन प्लान को हट करके जो है काफ़ी फैसले मनवाए गए। इसी को चलते एसआरएच के जो असिस्टेंट कोच थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था और बताया था कि काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप हो रही है। जो प्लान हमारा था मेगा ऑक्शन में, उस प्लान पर टीम नहीं गई और ज़बरदस्ती कुछ फैसले लिए गए, तो ये आगे चलकर ठीक नहीं होगा। और वैसा ही हुआ, केकेआर जब मैदान पर उतरी, केकेआर की टीम में इतने सारे बदलाव हुए, केकेआर ढंग से नहीं खेल पाई, मैच हारती चली गई। और जब सवाल आया कि किसकी जिम्मेदारी, तो श्रेयस अय्यर ने तो बोल दिया कि भाई बहुत ज़्यादा दखल दिया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, जब सीईओ प्लेइंग 11 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, जबकि इतने बढ़िया बढ़िया कोचेज हैं हमारे पास और हमारी भी बात सुननी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आईपीएल की फ्रेंचाइज के लिए ये गलत बात है। आईपीएल 2022 में केकेआर ने श्रेयस अय्यर को खरीदा और अपनी टीम का कप्तान बनाया, लेकिन पहले से ही केकेआर में कई कप्तानों का बदलाव हो चुका था, कई बार कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। अभी हाल ही में हमने वरुण चक्रवर्ती को ऑडियंस के बीच में बैठकर मैच देखते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर है। हालांकि वेंकी मैसूर कहेंगे कि श्रेयस अय्यर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर एक टीम का जिम्मेदार कप्तान मैच हारने के बाद ये स्टेटमेंट देता है कि मैच की जो ये टीम की जो हालत है इसकी जिम्मेदार मैनेजमेंट है, प्लेइंग 11 में दखल दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, स्पोर्ट्स और आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।